हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है रंतेज एडु क्लब यूट्यूब चैनल में। तो आइए, आज हम एक नया विषय लेकर के आए हैं, वैदिक मैथ, जो केवल आपको मैथ नहीं सिखाएगा बल्कि मैथ में मस्ती भी है ये बताएगा। तो आप कई काफ़ी दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, इसके लिए आपको कई तरह के उपाय बताए होंगे घर में आपके पेरेंट्स, जैसे आप बहुत सारा टीवी भी देख चुके होंगे, कई सीरियल्स भी देखे होंगे, और साथ में कुछ पेंटिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो कोई गेम भी खेल रहे हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स कह रहे होंगे, बेटा भूल जाओगे, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो। लेकिन आपका मन पढ़ने में नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपने एग्जाम भी दे दिया है, इसलिए आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा होगा पढ़ने में। हम भी आपको नहीं चाहते पढ़ें। तो चलिए, हम सब लोग आज मस्ती करते हैं मैथ के साथ की। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ से भागते हैं, डरते हैं ना, मैथ्स फोबिया, जानते हैं ना आप लोग। तो आज हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो किसी भी मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे होंगे, या फिर किसी भी क्लास में, आपको चाहे वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो, मिडिल स्कूल वाले हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जब आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं मैथ्स के, तो आप जब उसको सॉल्व करते हैं तो मैथ में कठिनाई आती है आपको, वो आज बिल्कुल भूल जाइए, एकदम आसानी से आप चुटकी में मैथ्स बनाएंगे और सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वैदिक मैथ। इसके लिए देखिए, मेरे पास कुछ किताबें भी है, पहले की ये है वैदिक मैथ निर्देशिका श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज की, और ऐसे और वैदिक मैथ की कई किताबें होती है जो आप चाहें तो बाद में खरीद करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ सीख जाइए बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग वैदिक मैथ में देखेंगे मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा की चीजों संक्रिया को, है ना। तो उसके लिए, गुणा सीखने के लिए पहला सूत्र है वैदिक गणित का, वह है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। और इसको सीखने के लिए और करने के लिए जरूरी है कि कुछ नियमों का हम पालन करेंगे, और देखिए कैसे मजा आता है। लेकिन कुछ आपको लिमिट्स भी ध्यान रखने हैं कि ये किस, यह विधि किसके लिए उपयोगी है। तो देखिए, जब किसी संख्या को 9999999 यानी 999999 आदि संख्याओं से आप गुणा करेंगे, तो ये एक न्यूनेन पूर्वेण विधि कारगर होगी। तो देखिए कैसे हम तुरंत झट से इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुणा करते हैं ना। तो आइए हम लोग सीखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसमें तीन केस उठाया हूँ, अलग अलग तरह के प्रश्न हो सकते हैं आपके बीच। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं, देखिए पहला केस लेंगे, जब अंक बराबर हो, माने इक्वल डिजिट्स का एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर देखिएगा आप झट से ओरली बिल्कुल मौखिक रूप से आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भी आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं, ये हमारे पास 63 × 99 है, यानी 63 का गुणा हमको 99 से करना है। तो देखिए झट से आप कैसे गुणा कर लेंगे इसका, तो पहले दो भाग कर लें, इस तरफ को कहते हैं लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट में है इसलिए, है ना, और ये हो गया आपका राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हम क्या करें, जैसा हमारा मेथड कह रहा है, देखिए क्या कहता है, एक न्यूनेन, एक न्यूनेन का मतलब होता है न्यून माने कम करना, यानी एक कम कर दो। तो जो गुण्य है, ये देखो जिस संख्या को हम गुणा करने वाले हैं उसको कहते हैं गुण्य, कहते हैं संस्कृत में, यानी हिंदी के लिए भाषा में कहें, हिंदी भाषा में कहें तो गुण्य है, और जिससे गुणा कर रहे हैं, है ना, वह क्या कहलाएगा, हमारा गुणक होता है ना। तो गुण्य भी देखो दो अंक का है या टू डिजिट्स के है, और इधर 99 भी टू डिजिट्स का है। तो ऐसे कंडीशन या केस के लिए हम कैसे सीखें, तो एक न्यूनेन क्या करना है हमको, 63 में एक कम कर दे, यानी एक न्यूनेन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम 63 में एक कम करते हैं, कितना आएगा बताओ, 62 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप तुरंत कर लिए, देखिए 63 में एक कम किए कितना आ गया जी, 62 हो गया भाई। अब हमारे पास देखो 99 से चूंकि मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो राइट साइड का नंबर है पूरा नंबर बनेगा, लेकिन राइट साइड में क्या लिखना है, तुरंत इसमें से क्या कर दे हम, माइनस कर देते हैं। जैसे 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आप मोबाइल से चेक कर सकते हैं, दूसरे मेथड से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 63 और 99 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6237 आ जाएगा। तो आप चाहे तो किसी भी नंबर से, आप चेक मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, आप देखिएगा फटाफट आपको मिलते जाएगा। तो चलिए दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, इसी में से कोई सा भी नंबर उठा लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको उठा लिया, है ना, देखिए आप बड़ी संख्या ले रहे हैं, अब फट से कर लेंगे 487
इंटू 999 यानी 487 को 999 से आपको गुणा करना है। और आपके पास लंबा समय लगता है जब आप रफ करते हैं तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अभी हमने बताया ना इसके दो भाग कर लो, फट से दो भाग हो गया। इसमें से एक कम कर दें भाई, एक न्यूनन माने माइनस वन कर दो, कितना बनेगा 486 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 486 हुआ, इधर से 996 को ना माइनस कर देना है बस, और कुछ नहीं, देखिए तुरंत हो जाएगा, है ना। 9 में से 6 गया 3 बचा, फिर 9 में से 8 गया माइनस किए 1 हो गया, और 9 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया 5 आ गया। अब आप मोबाइल से चेक कर लें या दूसरे मेथड से मल्टीप्लाई कर लें, देखिए कितना आएगा 486513 इसका आंसर मिल जाएगा, है ना मजेदार चीज। तो देखिए अभी आप कोई भी संख्या लें और तुरंत आप बना लेंगे ओरली भी। देखिए इसको चलिए आप माइनस करके देखते हैं ना, वो मल्टीप्लाई करते हैं 15 को 99 से। देखिए ओरली आप कर लेंगे, है ना, 15 है ना, 15 में क्या करना है, एक न्यूनन करना है यानी 14 हो जाएगा, और 14 को क्या कर देंगे 99 से माइनस कर देंगे। तो चलिए 14 है, 9 से माइनस करेंगे तो उधर क्या लिखेंगे भाई, 9 में से 4 गया तो 5, और 9 में से 1 गया तो 8, यानी 14 8 5 हो जाएगा आंसर आपका। तो आप झट से बना लेंगे। तो इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी आप तुरंत तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, आप बाद में और प्रैक्टिस करते जाइएगा और दूसरे क्वेश्चन को लेकर के 87653 को 599 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, या सॉल्व करते समय आपको ऐसा मिल गया, तो क्या करें, तुरंत इसका दो भाग कर लें आप। देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष है ना, लेफ्ट साइड में माइनस कर दें एक, तो ये 3 है ना, क्या बन जाएगा 3 का 1 माइनस करेंगे तो 2 5 6 7 8। इधर से क्या करना है, माइनस करना है। देखो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 माइनस किए 4, फिर 9 में से 6 माइनस किए 3, 9 में से 7 माइनस किए 2, ये 2 है ना, और फिर 9 में से 8 माइनस किए 1। अब आप निकाल लीजिए, देखिए इतना बड़ा संख्या है, आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लगता है। अब झट से देखिए 8 7 6 5 2 1 2 3 4 7 आ जाएगा, इसको नहीं लिखना है ना, ये तो आपका ऐसा हो जाएगा, दो भाग हो गया ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऐसे तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। बात समझ में आ रही ना, मजा आया। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी एक न्यूनन पूर्ण विधि से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा हम दो केसेस और देख लेते हैं भाई। देखिए दूसरा केस कहता है कि यदि 9 अधिक हो, यानी ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई जब गुणज से गुणक का डिजिट ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 43 है, ये 999 है, दोनों इक्वल नहीं है। इसमें सब में देखिए, ये 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट, 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट, ये 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट, यहाँ देखिए 4 डिजिट का गुणज है और गुणा भी 4 डिजिट है। लेकिन दूसरे केस में ऐसा नहीं है। देखिए चलिए करते हैं, सबसे पहले छोटा क्वेश्चन उठाते हैं ना, 43 का 999 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं रखा है, बहुत ही आसान है। जैसे ही हमने देखा 43 और ये 999, यानी यहाँ ये 2 डिजिट का है और ये 3 डिजिट का है, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको क्या करना है, 3 डिजिट बना देना है। ये देखिए सामने में 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो गया, 3 डिजिट्स के हो गए ना। फिर वही नियम लगा दो, ए न्यूनन पूर्वण विधि, यानी एक कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 42, ये देखो है ना। और इधर से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भाई। देखिए 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर तो 0 है, तो 9 में से 0 गया तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, यानी आपका आंसर क्या हुआ, 42957 आपको आंसर मिल गया। देखिए झट से आपने बना लिया। तो इसी तरह से और एग्जांपल्स भी आप प्रैक्टिस करते जाएं, चलिए मेरे साथ भी कर सकते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, सब कुछ करो, ये बड़ा वाला ले लेते हैं ना, 375, इधर देखिए 3 डिजिट का है ना, और इधर कितना है, 9999 है, 5 बार 9 हो गया है ना, तो ये देखो 5 बार 9 है, और इधर कितना है, 375 है। तो अब इसको कैसे करें, तो बहुत आसान लगेगा भाई आपको, देखिए कैसे करते हैं, 1 2 3 है, हमको 5 9 चाहिए, मतलब 5 बार 5 अंक चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर 2 0 और बढ़ा लो। अब देखो 1 2 3 4 5 इधर भी हो गया, 5 इधर भी हो गया ना आसान,
बिल्कुल वही विधि फिर लगाइए। एक न्यू नेम कर देना है, दो भाग बांट देना है, पांच में से एक गया तो चार, और सेवन का सेवन, थ्री का थ्री, और ये जीरो का जीरो। अब इधर से चलिए माइनस करते हैं, नाइन में से फोर गया, बोलते जाइए कितना हुआ भाई, फाइव ही आएगा, बहुत अच्छा, आप साथ में करते जाएं। नाइन में से सेवन गया कितना बचा, टू, फिर नाइन में से थ्री गया तो सिक्स, अब नाइन में से जीरो जाएगा तो क्या आएगा, नाइन ही आएगा। नाइन में से फिर से जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नाइन ही आएगा। अब बताइए आपका नंबर क्या आया, थ्री सेवन फोर नाइन नाइन सिक्स टू फाइव, यही आंसर आएगा। आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप मोबाइल से चेक कर सकते हैं या दूसरे मेथड से आप चेक कर सकते हैं, तो है ना मजेदार चीज। चलिए ये हो गया आपका एक और तरीका। तो देखिए बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स मैं लिख दिया हूँ, आप भी और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए थर्ड केस में आते हैं, जब हम देख रहे हों कि गुण या से गुणा कम हो, यानी आप देख रहे हैं थर्टीन है और ये नाइन है, या 124 है और नाइन है, ऐसी स्थिति में क्या करें, जब हम राइट साइड में जो 999 है वो हमारा कम हो किधर से, गुण्य से, तो उसके लिए कैसे करें, चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये 913 लिए और 13 का मल्टीप्लाई हम 9 से करते हैं, है ना, ऐसे तो 9 का टेबल बोल करके भी आप कर लेते हैं, लेकिन इसमें देखिएगा बहुत आसानी से आप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वही काम जो हर बार कर रहे थे, पहले एक न्यू नेम कर लेते हैं। चलिए एक न्यू नेम किया कितना आया जी, 13 में से 1 गया 12 आया, माने 13 में से गया तो 12, और 9 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है, तो ये हो गया आपका 7। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर आपका आ गया है, तो आंसर नहीं आया है, तो क्या करना है, ये यदि दो अंक है तो देखिए एक अंक का ये 9 है ना, उसके बाद के एक अंक को जो इधर से बचा हुआ है उसको माइनस और कर देना है आपको। अब देखिए 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, और ये 1 माने 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11, और ये 7। अब आपका आंसर आ गया होगा, आप देख लीजिए चेक करके, 9 7 जा 27, 9 3 27, ये देखो 7, कह लिया है 2, 9 1 9 और 2 11, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से आप अभ्यास करते जाइए, आपसे बनते जाएगा, तो उत्तर आ गया 117। चलिए और भी क्वेश्चन उठाते हैं, चलिए हम लोग देखें 1 2 4, अब इसका हम क्या करेंगे, एक ही 9 है हमारे पास, चलिए अब क्या करें भाई, देखिए ऐसी स्थिति में या तो आप 9 का पूरा टेबल बोलें, या तो फिर बड़ी बड़ी संख्याएं होंगे तो और आपको टाइम लगेगा, लेकिन वैदिक में से देखिए झट से आप बना लेंगे, दो भाग करिए, 124 में एक न्यू नेम करेंगे, माने एक कम हो जाएगा, एक कम हुआ तो कितना आया, 1 2 3, बहुत बढ़िया, आपने तो कर लिया होगा। और देखो इधर से 9 है, तो अगला स्टेप क्या होता है, हम इसमें से माइनस करते थे, क्योंकि 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा, है ना। अब हम इसको ऐसा नहीं करना है, इतने में आंसर नहीं आएगा, एक और बार करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक 9 है ना, तो यहाँ 12 बचा है, 12 कितना बचा है, 12। अब इसको यहां से और माइनस करना रहता है इसमें, तो आएगा आपका देखिए 6 का 6 उतारिए, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, 2 में से 1 गया तो 1, और ये 1। अब कर चेक करके देखते हैं, देखो 9 4 जा यानी 9 चौको 36, 6 आ गया, कैरी आया 3, 9 दुना 18 18, और 3 21, कैरी आया 2, 9 1 9 और 2 11, आ गया ना आपका उत्तर। तो ऐसे आपको माइनस करते जाना है, तो देखिए आपको मजा आ गया होगा, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, बाकी इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको मजा आएगा, फिर आप मैथ से नहीं भागेंगे, और हम लोग और दूसरे वीडियोस पे और इसी तरह से दूसरे मेथड से भी और कई तरह की संख्याओं को जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।